आप पीछे वालों को दर्शन करने दीजिए। क्या आपने करके निकलते बैठ के लो सही यहाँ पे शुरू होता है। आज के दिन का महत्व भूत बावन भगवान विश्वनाथ की नगरी जहाँ पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं उनके समक्ष स्वयं विश्वनाथ जी ने भिक्षा मांगा। आज धनत्रयोदशी से लेकर अन्नकूट तक स्वर्णमयी अन्नपूर्णा की परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि आज के दिन अन्नपूर्णा जी के दरबार से प्राप्त धन के रूप में खजाना अन्न के रूप में लावा प्राप्त कर अपने घर में रखने से वर्ष पर्यंत जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर तक जीव को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और दारिद्र कभी भी उसके घर पर नहीं आता है। इसीलिए आज प्रातःकाल षोडशोपचार पूजन के उपरांत माँ की भव्य आरती के पश्चात पूजित धन एवं अन्य आम भक्तों के लिए प्रातः 4 बजे से खोल दिया गया है। समस्त भारतवासियों की कामना करते हैं कि सभी सुख समृद्धि को प्राप्त हों, भारत संपन्न देश विश्व में बने, इन्हीं भावना के साथ ये जो धन वितरित किया जाता है इसका भी कुछ विशेष गुरु जी क्या इसका इतिहास है? मां अन्नपूर्णा ने किस तरह से आशीर्वाद दिया था भोले को, भोले जी को क्या आशीर्वाद? ये देवोदास बहुत प्राचीन कथा है। देवोदास यहाँ एक राजा हुआ करते थे जिनके समय में और कोई भी देवता यहाँ पर निवास नहीं करता था। उस समय माँ अन्नपूर्णा को काशी में प्रवेश होना था, उन्होंने क्या किया, दुर्भिक्ष डाल दिया और किसी भी राज्य के राजा के समक्ष अकाल, दुर्भिक्ष मीन्स अकाल पड़ना सबसे बड़ा महापाप होता है कि जो राजा जनता को भोजन नहीं करा सकता है वो राज्य क्या संचालन करेगा। उस समय देवोदास ने धनंजय उनके पुरोहित थे उनको ये आदेशित किया कि इस दुर्भिक्ष को कौन मिटा सकता है। बोला अन्नम ब्रह्म, अन्न के बिन जीव इस संसार में सफल नहीं हो सकता, जीवित नहीं हो सकता। इसलिए बिना अन्नपूर्णा की साधना के, बिना अन्नपूर्णा की प्रसन्न हुए ये दुर्भिक्ष नहीं मिलेगा। राजा देवोदास ने धनंजय को बोला कि भाई माँ का प्रसन्न करो जिस विधि से। उन्होंने अपनी विविध विधियों से माँ का पूजन आराधना तपस्या की। माँ ने जो दर्शन दिए वो अद्भुत दर्शन थे। उसी परिकल्पना में हमारे पूर्वजों ने ये माँ अन्नपूर्णा के दर्शनों की परंपरा प्रारंभ की जो आज भी चली आ रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे, यानी अन्नपूर्णा शंकर को जो दान देने वाली हैं, भिक्षा देने वाली हैं, वह काशी में विराजती हैं और दीपावली से पहले धनतेरस पर माँ अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के सिर्फ दर्शन काशी में ही होते हैं और आज यह दर्शन खुले हैं जिसके लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि आज के दिन माता अन्नपूर्णा का खजाना बढ़ता है। अन्न और जो आपका धन की कोठरी है वहाँ इस खजाने को रखने के बाद जीवन में दुख दरिद्रता सबकी समाप्ति हो जाती है और माता सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। गोपाल मिश्र।